वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका पहला टॉपिक है सलिवरी ग्लैंड। जब भी हम फूड मटेरियल को बकल कैविटी यानी माउथ में लेते हैं तो टीथ जो है भोजन को काटना, चीरना, फाड़ना, पीसना इत्यादि वो काम करते हैं, लेकिन ये सारे भी काम बिना स्लाइवा के संभव नहीं है। हमारे जो सलिवरी ग्लैंड है ये स्लाइवा को सिक्रीट करती है। स्लाइवा का सिक्रीशन सलिवरी ग्लैंड द्वारा भोजन के पचाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। अब प्रश्न ये उठता है, स्लाइवा सलिवरी ग्लैंड जो होती है हमारे माउथ में कितनी होती है, उनकी संख्या क्या होती है और कहाँ कहाँ होती है। तो सलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ में यानी बकल कैविटी में कुल थ्री पेयर होती है। थ्री पेयर एक कहां होती है, लोअर जा जो हमारा है, लोअर नीचे वाला जबड़ा, इसके कोने में वन पेयर। दूसरा हमारा जो टंग है जीभ, उसके ठीक नीचे यहां भी होती है वन पेयर। और तीसरा जो है हमारे गाल में कान के समीप होती है वन पेयर। एक कुल मिलाकर हमारे बकल कैविटी में थ्री पेयर सलिवरी ग्लैंड होती है। ये जो तीसरा पेयर है, कभी कभी इस पर वायरस का इन्फेक्शन होता है। वायरस के इन्फेक्शन होने से ये जो पूरा पोर्शन है ये स्वेलिंग इसमें चली आती है, फूल जाता है। इस डिजीज को, इस रोग कहते हैं मम्स। इसी मम्स को गलसुआ भी कहा जाता है। गलसुआ ये गलसुआ जो है मम्स, इसमें दो पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ये वायरल डिजीज है, ये वायरस के वजह से होता है। और थर्ड ग्लैंड जो है, वह ग्लैंड जो हमारे कान के गाल में कान के समीप है, उसी पे इफेक्ट करती है, इसीलिए मम्स नामक डिजीज होता है। और सलिवरी ग्लैंड स्लाइवा करती क्या है, हमारे माउथ को, बगल कैविटी को इल्यूम्ब्रिकेट करती है, तर रखती है, भींगी रखती है। जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो पीसने का काम बिना स्लाइवा के संभव नहीं है। आप ऐसा अनुभव करें, आप अपने माउथ के अंदर एक चने का बीज डाल दें, मूंगफली का बीज डाल दें, कोई स्वाद नहीं आ सकता है आपको उसमें, जब तक उसको हम पीसेंगे नहीं। दूसरा फंक्शन स्लाइवा का ये होता है कि जो टेस्ट का अनुभव हम करते हैं वो स्लाइवा के कारण ही करते हैं। ये फूड मटेरियल को डिजॉल्व कर लेते, डिजाल करता है, तभी टेस्ट का एहसास होता है। चने के बीज मात्र डालने से कोई टेस्ट का एहसास नहीं होगा आपको, जब तक उसको हम पीसेंगे नहीं। तो मोलर और प्री मोलर पीसने कार्य करते हैं, कसिंग कार्य करते हैं, और स्लाइवा उसको डिजाल करती है, उसके बाद हमको किसी टेस्ट का एहसास होता है। सॉलिड अवस्था में टेस्ट का एहसास नहीं होता है, स्लाइवा डिजाल करती है तब टेस्ट का एहसास होता है। एक चीज और देख लें आप, स्लाइवा जो मूल फंक्शन है, स्लाइवा के अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम पाई जाती है, उसका नाम है टाइलिन। यह जो टाइलिन है, हम जो फूड मटेरियल लिए हैं उसमें स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, उस स्टार्च को चेंज करती है माल्टोस में। स्टार्च, माल्टोस, ये जो माल्टोस है एक प्रकार का सुगर है। यही कारण है कि भोजन को जितना ही चबाते हैं उतना ही वो मीठा लगता है। एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, क्या कारण है कि भोजन को अधिक देर तक चबाने पर वो मीठा लगता है। इसका आंसर यही हुआ कि हमारे स्लाइवा में एक एंजाइम है जिसको कहते हैं हम टाइलिन। ये टाइलिन क्रिया करती है स्टार्च पर और उसको चेंज करती है माल्टोस में,
और माल्टोस एक प्रकार का शुगर है, यही कारण है कि भोजन को हम जितना ही चबाते हैं वो मीठा लगता है। दूसरा, हमारे स्लाइवा में लाइसोजाइम होती है, लाइसोजाइम यह लाइसोजाइम बैक्टीरिया को किल करती है। सामान्यतः यह होता है कि हम बगैर हाथ धोए खाना खाते हैं, बहुत से बच्चे ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कुछ खाना हो, फूड मटेरियल को लेना हो बगल कैविटी में, तो बिना हाथ धोए, हाथ पानी से नहीं साबुन से हाथ धोएंगे और धोने के बाद ही कुछ भी खाएंगे। ऐसा नहीं करते हैं आप तो उस फूड मटेरियल में बैक्टीरिया की संख्या बहुत काफी होगी। सामान्यतः देखा जाता है कि छोटे बच्चों में, मान लो इस तरह समझे आप कि हमारे एक उंगली में एक करोड़ बैक्टीरिया है, हम खाना खाते हैं पांच उंगली से, इस प्रकार करते हैं तो पांच करोड़ बैक्टीरिया हो गए। बहुत से बच्चे ऐसे नहीं खाते हैं, इस प्रकार खाते हैं तो 10 करोड़ संख्या हो गई, तो 10 करोड़ बैक्टीरिया खा रहे हैं। उस बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है लाइसोजाइम, यह पाया जाता है हमारे स्लाइवा। थर्ड है, हमारे स्लाइवा में म्यूसिन होता है। ये म्यूसिन करता क्या है? म्यूसिन हमारे फूड मटेरियल को सॉफ्ट करता है। यदि फूड मटेरियल साफ नहीं होता है तो हम निगल नहीं सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी फूड मटेरियल निगला तभी आ सकता है, अंदर तभी आ सकता है जब साफ हो। जो साफ नहीं है तो यह संभव नहीं है निगलना। तो यह म्यूसिन जो है हमारे फूड मटेरियल को बनाती है सॉफ्ट। अब पूरे जितना मैंने पढ़ाया है आपको, उसमें याद क्या करना है, स्लाइवा सीक्रेट कहां से होता है? स्लाइवरी ग्लैंड ही सीक्रेट करती है स्लाइवर को। हमारे बगल कैविटी में कितने स्लाइवर स्लेवरी ग्लैंड है? 3 पेयर। इस संख्या को याद रखिएगा, 3 पेयर स्लेवरी ग्लैंड है। और कहां कहां मैंने बता दिया है। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मम्स नामक डिजीज कैसे होता है? ये वायरल इफेक्ट है, वायरस के इंफेक्शन से मम्स नामक डिजीज होता है। और कौन सा इफेक्टेड होता है स्लेवरी ग्लैंड? थर्ड पेयर, जो हमारे गाल में कान के समीप होती है। एक सबसे बेहतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लाइवा में कौन से एंजाइम पाई जाती है और उसका फंक्शन क्या है। तो हमारे स्लाइवा में टैली नामक एंजाइम पाई जाती है जो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को चेंज करती है माल्टोस में। और माल्टोस शुगर है, यही कारण है कि हमारा भोजन जितना चबाएंगे हम उतना मीठा लगेगा। दूसरा, इसमें लाइसोजाइम पाई जाती है जो बैक्टीरिया को किल करती है। एक और याद रखिएगा, इस सब्सटेंस पाया जाता है स्लाइवा में म्यूसिन, जो हमारे फूड मटेरियल को सॉफ्ट बनाता है ताकि आसानी से उसको हम निगल सके। आज हम लोगों ने डाइजेस्ट सिस्टम के स्लेवरी ग्लैंड टॉपिक पर डिस्कस किया। इस पूरे में कोई समस्या आपको हो, कोई बारे क्वेश्चन पूछना हो, आप कमेंट्स बॉक्स में वो काम कर सकते। इसके बाद जो टॉपिक आएगा, भोजन निकल चुके हैं हम लोग, तो भोजन कहाँ पहुँचेगा? स्टमक के अंदर। तो हम लोग इसके बाद ओसोफेगस स्टमक के बारे में अध्ययन करेंगे।